अभी भी भगवान बरस ही रहे हैं। ये गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आपको मेरे गले से पता चल गया होगा कि मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ है, बट ये ठंडा मौसम कब बंद होगा तब ना मेरा गला ठीक होगा। तो जो बात मुझे कल करनी थी वो मैंने नहीं किया, उसमें थी द किसिंग बूथ। किसिंग बूथ के मैंने तीनों पार्ट देख लिए, तो मैं आपको उसके बारे में पूरा दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट अभी नया लॉन्च हुआ था और सेकंड पार्ट मैंने देखा नहीं था, तो मैंने रेगुलर सेकंड और थर्ड देख लिया और फर्स्ट मैंने बहुत पहले देख लिया था। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि दो फैमिलीज़, मतलब दो औरतें रहती हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स रहती हैं, कॉलेज में जाके बेस्ट फ्रेंड बन रहती हैं। उसके बाद वो हमेशा उनके बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। उनका जो फर्स्ट लेडी रहती है उनके दो लड़के होते हैं और एक रहती है उनकी लड़की, एक छोटा लड़का होता है, और उनकी डेथ हो जाती है। तो बस ये लोग रहते हैं थैंक्स गिविंग के लिए, मतलब ऐसे उनका न्यू ईयर टाइप रहता है, तो उस पर वो लोग अक्सर मिल लगते हैं फैमिली रहती है। तो ये दोनों दोस्त जो छोटे वाले रहते हैं, उनका छोटा लड़का और इनकी बड़ी लड़की, वो दोनों दोस्त रहते हैं। बट जो उनकी लड़की रहती है उनको अपने बड़े दो बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई से प्यार हो जाता है। तो इस तरीके की एक लव स्टोरी है, रोम कॉम मूवी है, समझ लीजिए, मतलब रोमांटिक कॉमेडिक मूवी है, बहुत अच्छी है। और जिसको वो भाई भी कई बार बोली रहेगी, और वो भी बहन, मतलब फर्स्ट पार्ट में लिटरली वो बोलता है कि मेरी छोटी बहन के साथ तो ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, तो फिर भी उसमें रिलेशनशिप चलो उनका चलता है। तो ऐसे तीन पार्ट्स करके वो पूरा कॉन्टिन्यूस है। पहला पार्ट वही उनके लव स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड वर्सेस, ये लास्ट में भी बेस्ट फ्रेंड वर्सेस उन पे, ये पूरी तीन उन्होंने नेटफ्लिक्स में तीन पार्ट बना दिए। अगर आपको देखना है तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तीनों पार्ट, हिंदी में भी अवेलेबल है, देखना चाहो देख सकते हो, नहीं तो अदर सोर्सेज आपको मिल जाएगी। और अभी अमन क्या जाना है, क्योंकि अमन की ड्रेसिंग करानी है। लगाया तो वही तो किया साफ नहीं यार, खाली साफ कर रहा था अभी तक, तो बिटाडीन से ही साफ कर रहा था। जाने तो अच्छा, जरूरत है भी नहीं है, है जरूरत उसको बनवा लो पैर वाला, हाथ वाले की नहीं जरूरत है। किस को नोचेंगे कहीं बेदर्दी से, मेरे को मजा नहीं आएगी। अरे तो इसका क्या मतलब, जरूरत है मक्खियों की वजह से इन्फेक्शन होगा, जो पानी नहीं पड़ता है, नहाता नहीं है तो नहा नहीं रहे थे, खाली पानी पूछ ले रहे हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ खा लेते हैं, पेस्टी और पेटीज, तो हम अमन को ले गए खिलाने के लिए। देख लो हाथ टूटे हैं पर खाना नहीं टूटेगा। अब तुम कर चुके हो पेमेंट, अब पहुंच चुका हमारे पास, लास्ट बाद में इसको स्लो मोड में डालूंगा बर्फ घुमाते हुए। मेरा गला और खराब होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है भाई, दिल लगी क्या? हल्का वाला है नहीं बर्फ मेरा ये। उसके बाद अमन जैसे टूटे फूटे इंसान को घर छोड़े और हम लोग वापस आए।